तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, सुबह के बज गए हैं 7। तो क्या हाल चाल? तो बाहर का मौसम आप देख ही सकते हो, धुंध पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं अभी फिर हम अपने डॉग्स को घुमाने के लिए बाहर। तो देखते हैं मौसम कैसा है आज, तो थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस आप, जो कि डेजी है अपने बच्चों को फीडिंग करा रही है। वैसे मैंने थोड़ा सा सरला खिला दिया था, तो थोड़ा सा सरला खिला दिया था, तो फिर भी बच्चे दूध पी रहे हैं। लूसी यहाँ पे बैठी है, एनी यहाँ पे बैठी है, उनके बच्चे भी फीडिंग कर रहे हैं बहुत ही अच्छे। और थोड़ा सा ट्विंकल की तरफ देखते हैं, ट्विंकल वो अब देख रही होगी कि वहाँ पे बैठी हुई है, तो वो भी अपने बच्चों को थोड़ा साफ़ कर रही है। और स्टफ़ी यहाँ पे बैठी है, पिंजरे में वेट कर रही है कब हमें बाहर लेके चल चलते हैं बच्चे, चलते हैं चलते हैं। तो ये स्वीटी, ये भी कल से थोड़ा सा सैड सा फील कर रही है, पता नहीं कैसे नहीं था, थोड़ा सा लगता है उल्ट पुल्ट खा लिया होगा। तो कल से वैसे बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि मैंने कल इंजेक्शन लगा दिए थे, तो अब बेटर फील कर रही है। आज देखते हैं फिर लगा देते हैं। और ये स्टफ़ी है, स्टफ़ी स्टफ़ी ता सोई हुई है, अभी उठी नहीं है। तो चलते हैं गाइस, घुमा कर आते हैं। इसका गैस यही पंगा रहता है कि ये साइड पे नहीं करती, ये थोड़ा सा ना सड़क के जैसे ये है ना, सड़क के थोड़ा सा इधर को करेगी। अब बाकी दिखा देता हूँ आपको गैस। ये बुली है, जिसको आपको पता ही है संगा लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये पग है, दूसरी पग आप आई नहीं अभी क्योंकि ठंड थी, वो निकली नहीं कमरे से बाहर। वो जो दो लेबरा हैं, मौसम आप देख ही सकते हो बहुत ही ख़राब हो रहा है। आज का मौसम पूरा धुंध का मौसम है, दूर दूर तक कुछ ही नज़र आ रहा बहुत। और सुबह के 7:30 बज चुके हैं। दूसरी वाली पग भी खुली रहती है, तो अभी वो आई नहीं है, बाकी खुले रहते हैं। सिर्फ इन दोनों को पकड़ के रखता हूँ मैं, क्योंकि ये न्यू लेकर आया था मैं, चॉकलेट लेब्रा। तो ये ज़्यादा ही मतलब शरारती करती है, एक बार इसको मैंने खुला छोड़ा था ना, तो दूसरों के पीछे भाग जाती थी, किसी के ऊपर चढ़ जाना। फिर लोग आजकल आपको पता ही ऐतराज़ करने लगते हैं। एक वो है लब्रा डिजे, वहाँ पे फ्रेश हो रही है वो। एक लब्रा ये है पग, और अमेरिकन बुली। एक पग और है, आपको तो पता ही है, पर वो ठंड के कारण जल्दी बाहर नहीं आई। और जो वीगल है उसने भी पपी दे रखे हैं, तो वो ऐसा है ना उसका गाइस की मतलब पपी दे देती है ना वो, तो पपी के पास उसका ना ज़्यादा ध्यान चले जाता है, वो पपी को छोड़ के जल्दी जाती नहीं है। अभी भी देखना गाइस, अब इनको लेके जाएंगे ना ऊपर, इनसे लड़ने लगेगी कि मेरे पास कोई ना आना। ऐसी है वो, ऐसा है ना गाइस कि जैसे लूसी को कोई बाहर का कुत्ता देखता है ना, कोई भी नहीं इसके आगे आता। अब देख ही सकते हो इसकी चाल कैसी है, पूरी एक्टिव होकर चलती है ये। और वहाँ पे कुत्ते बैठे हुए हैं, ठंड के मज़े ले रहे हैं। बाकी भी पीछे पीछे आ रहे हैं, जो कि मेरी पग है वो पता नहीं क्या। स्टफी आया, स्टफो दिख नहीं रही गाइस, कोई उठा के तो नहीं ले गया। इधर देखता हूँ, नहीं है उधर ही होगी। ये भी धुंध है ना, धुंध में दिख ही नहीं रही। एक तो कलर भी उसका ऐसा ही है, अगर ब्लैक कलर की होती तो पता भी लग जाता हाँ वहां पे खड़ी है। स्टफी चला इधर, स्टफी अब आ गए। अब और ही आ रही गाइस, वो देखो इसका ना यही रहता है मतलब पीछे पीछे रहना इसने, फिर कोई चीज मिल जाए बस उसको ही देखते रहना, सूंघते रहना वगैरह। डेजे आया, डिजी आ जा। गाइस बहुत मुश्किल हो जाता है जब अगर मैं सभी को एक ही साथ में लेके जाऊँ ना, जैसे इतना ठीक है कि हाँ थोड़े बहुत ये देखो फ्री हैं, ठीक है ये, और वो होगी एक पग है और एक वीगल भी है, ये सब मतलब खुले रहते हैं। वीगल को भी कभी कभार मेरे को ना बांधना ही पड़ता है, वो शरारती बहुत है। अभी सारे फ्रेश हो चुके हैं, मौसम बहुत ही सर ज़्यादा गंदा हो
होता जा रहा है, देख सकते हो धुंध के मौसम में। तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं घुमाता फिर अपने डॉग्स को, तो अभी हम चलते हैं पूरी के लिए। धीरे धीरे सभी नहीं आ जाए। स्टफी स्टफी आदरा आजा, चल चल चल। वो देख रही है मेरी सहेली कहाँ रह गई। ये गाइस हमारा रूम, तो चलते हैं रूम की तरफ। और ये थोड़ा सा पानी पिएगी खुल के लोक। ये गई नहीं बाहर तू हैं? ये इसका ना यही रहता है, जब भी ये मतलब प्रेग्नेंट होती है, जब भी ये बच्चे देती है ना, बच्चों को इतना ज़्यादा ख्याल रखती है ना, उठ के नहीं जाती उनसे जल्दी। बस कर किन्ना पानी पीना ही होना, बच होती है। चल अंदर चल। आई नहीं बाहर तू, सूटो गाइस। ये ना पता नहीं कल से ना बहुत ज़्यादा सैड सा फील कर रही है, पता नहीं इसने कुछ उल्टा सीधा, जैसे खुली तो रहती है, मैंने कभी इसको बांधा नहीं है, तो खा लिया होगा इसने कुछ भी प्लास्टिक वगैरह। तो मतलब ये कल से ना थोड़ा सा बहुत ही बैड फील कर रही है, तो अभी देखते हैं। वैसे मैंने कल तो इंजेक्शन लगा दिए थे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देखते हैं आज फिर ट्राई करके। तो लैब्रा लैब्रा के पप्पीस फीडिंग करके सो चुके हैं बहुत ही अच्छे। और ये एनी के पप्पीस हैं जो कि अभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। अब ट्विंकल को जो है, ट्विंकल को हम बाद में घुमा देंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है।